तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे रेट हमने ओपन कर चुके हैं ओके। एंड यहाँ पे मेरी जो अभी करेंटली लिमिट है वो 70,000 रुपये है ओके। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बिल कितना है 6657। और इसको इस वीडियो में आपको हम पे करके दिखाएंगे इसका पेमेंट कैसे किया जाता है ओके। देख सकते हैं हमने इसको ओपन कर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने मोबाइल खरीदा था, इसकी EMI है ये ओके। वन टाइम पेमेंट फीस है, वन टाइम प्रोसेसिंग फीस है। और यहाँ पे पेमेंट पे हमने कर दिया है क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पेमेंट मोड आ गया कि हम किस पेमेंट मोड से इसको पे करना चाहते हैं, पेटीएम से, UPI से, गूगल पे से, किसी से भी ओके। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे किस एप्लीकेशन से हमको ओपन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम से हमने इसका पेमेंट कर दिया ओके। एंड यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है, कुछ सेकंड में वेरीफाई हो जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है पेमेंट प्रोसेस हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है ओके। इस तरीके से आप सिंपली एक मिनट के अंदर ही अपना जो है यहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हैं। बाकी व्यू यूसेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 रुपये जो इसका हमने एक मोबाइल ख़रीदा था होगा उसी का ये मेरा रिपेमेंट है ओके। इस तरीके से इसको पे कर सकते हैं। बाकी वन टाइम EMI प्रोसेसिंग फीस का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा।